कि दूरबीन का ऑपरेशन सबसे अच्छा क्यों होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक पता नहीं है कि दूरबीन से सर्जरी क्या होती है, और बहुत सारे सवाल भी रहते हैं लोगों के मन में कि सर्जरी के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कैसे क्या होता है। तो आज हर एक आस्पेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ में है गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुशीला सैनी मैम। हेलो फ्रेंड्स। मैम, पहला सवाल ये है कि दूरबीन ऑपरेशन क्या होता है और ये पारंपरिक ऑपरेशन से कैसे अलग है? बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला सवाल है, क्योंकि दूरबीन का ऑपरेशन लोगों को लगता है कि पता नहीं किस तरीके से होता है, क्या होता है। तो एग्जैक्टली दूरबीन के ऑपरेशन के अंदर हम लोग तीन छेद बनाकर ऑपरेशन करते हैं, यानी कि पेट के ऊपरी हिस्से पर जहाँ पे पहले चीरा लगा के सर्जरी की जाती थी, उस चीरे को बदलकर केवल छोटा छेद बनाया जाता है। इसलिए उसे की होल सर्जरी भी कहा जाता है, मिनिमल अक्सर सर्जरी भी कहा जाता है, क्योंकि जो पेट पर चीरा लगता था वो नहीं लगता है। और छोटा छेद बनाते हैं, 1 सेंटीमीटर का एक छोटा छेद होता है जिसके थ्रू दूरबीन अंदर जाती है, यानी कि टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप के जो टिप होता है उस पर कैमरा होता है, उस कैमरे से पूरी की पूरी पिक्चर हमें बड़े स्क्रीन पर दिखाई देती है, जिससे अंदर का जो पिक्चर हमें 20 गुना तक बड़ा दिखता है। आजकल 3D कैमरा भी आ गया है और जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल में भी अब 3D कैमरे की सुविधा अवेलेबल है, तो आपकी सर्जरी पहले से और भी ज़्यादा सेफ हो गई है। क्योंकि हमें 3D में, जैसे आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी, तो बहुत ऐसे लगता है कि सामने से ही सब कुछ हो रहा है, तो सर्जरी के दौरान में भी हमें एक और प्लेन दिखता है, जिससे कि हम टिश्यू को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ब्लड वेसल्स को अच्छे से देख पाते हैं और उनको प्रॉपर तरीके से लेज़र से सील करके फिर सर्जरी कर पाते हैं। चीरा नहीं लगने के कारण इसमें पेन नहीं होता है और दर्द भी काफ़ी हद तक बिल्कुल नाक के बराबर होता है।